अपन इस दुनिया में नौकरी लग पाएंगे? नौकरी के लिए कौन पढ़ रहा है फिर? यही तो बात है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, वहाँ तक तू नहीं देख पा रहा। हाँ, मुझे ही थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। वही तो, शायद मूत्रा होगा। अबे गधे। हाँ भाई साहब, कितने हुए? 20 रुपए। दिन में कितनी चाय चली जाती है? 500 कप। देखा? किसको? चाय वाले को। मैं क्यों देखूं? दिन में 500 कप, 1 कप के 10 रुपए, कितने हुए? 5000। 2000 खर्चा, 3000 की बचत, 1 महीने कितने हुए? 90,000। सरकारी नौकरी से भी ज्यादा कमाता है चाय वाला। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी बिजनेस ट्राई करें और अपने खुद की एक कंपनी खड़ी करें। मूत के जाग जल्दी मिट जाते हैं। तू आज मूत पे ही क्यों अटका है? मेरे पास बिजनेस प्लानिंग है। क्या है? सबसे पहले हम किसी और कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं, फिर खुद की कंपनी खड़ी करते हैं। कौन दूसरी कंपनी वाला अपन को मौका देगा? देगा कोई? यूं नहीं सर, जब चाहिए आप बोल दो, बस काम हो जाना चाहिए। शाम को चाहिए? कितने? 15 करोड़। बस ठीक हो जाएगा। बोलो। जी सर, हम अपनी कंपनी को, मतलब आपकी कंपनी को, जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, देखो अब आपकी कंपनी 100 करोड़ पे है, हम इसको 500 करोड़ तक लेके जाएंगे। ये कंपनी ऑलरेडी 600 करोड़ की है। 100 करोड़ घाटे में डाल दी। फिर 600 करोड़ से 1200 करोड़ तक के सफर में पूरी जिम्मेदारी रहेगी हमारी। कैसे? ऐसे बिजनेस प्लानिंग से। ये पेन 5 रुपए की है। मुझे पता ये पेन 5 रुपए की है, पर तू मुझे 10 रुपए में बेच के दिखा। ये पेन ले लो भैया, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, दिमाग में टेंशन हो रही, कोई बाप अपनी बेटी नहीं दे रहा, इस पेन से लिखो, नौकरी लगेगी, धनाधन शादी होगी फटाफट, फिर हनीमून पे। खैर ले लो मात्र 10 रुपए। एक और ट्राई मारता हूँ। साहब ये पेन ले लो। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख मर रहा। साहब मेरे घर में छोटे छोटे माँ बाप है, शाम को उनको खाना खिलाना है, 10 की ये ले लो साहब, गरीब का बना। सर ये पेन दूसरे पेनों से डिफरेंट है, इसलिए इसकी प्राइस 5 की बजाय 10 रुपए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी है, जैसे कि इसमें कोई भी नली फिट हो जाती है तो आपको बार बार 5 रुपए का पेन नहीं लेना पड़े। तो ये पेन ले लो मात्र 10 रुपए में। ए 10 रुपए निकाल। ए नीचे बैठ। 10 रुपए निकाल। ए सिक्योरिटी। देखा, भेज दी। ये गन असली है? कहाँ, ये तो खिलौना है बच्चों का। स्टैंड अप। क्या साले? हाँ मम्मी, बड़ी सी कंपनी में सिलेक्शन हो गया तेरे लाल का। आई सी, स्टैंड अप। हाँ क्या सर? खड़े हो, गेट आउट। सर वो गो टू हेल। अब मैं प्रोबो पे अपने ओपिनियन रखूंगा। जैसे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, 7 मिलियन प्लस लोगों ने अपना ओपिनियन रख के लाखों रुपए कमा गए, कुछ नहीं करना, यस और नो में आंसर देना बस। कैसे? अब लेटेस्ट में क्या चल रहा है, एशिया कप? क्या भारत एशिया कप जीतेगा? आई थिंक जीतेगा। तो मैं यहाँ अपना प्राइस और क्वांटिटी सेलेक्ट करके आंसर सबमिट कर देता हूँ। अगर तू श्योर है तो क्वांटिटी ज़्यादा कर दे, प्रॉफिट भी ज़्यादा। अच्छा
और अगर तेरा उत्तर सही होता है तो जीता हुआ पैसा अपने अकाउंट में यूपीएससी से आसानी से विड्रॉल कर ले, पैसे भी कमा और नॉलेज भी बढ़ा। ये बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, डाउनलोड कर, ₹50 साइनअप बोनस है। और साइनअप करते ही तुझे बहुत सारी कैटेगरीज दिख जाएगी, जैसे न्यूज, फाइनेंस, बॉलीवुड, स्टार्टअप, फन और बहुत कुछ। अच्छा तो कर डाउनलोड। वो तो सब ठीक है, पर कंपनी कैसे खड़े करेंगे? कंपनी इधर एक कंपनी जैक लगा के। एक बात बोलूं? हाँ। बहुत खुश नसीब होते हैं वे लोग जो बहुत पहले असफल हो जाते हैं। मैं भी एक बात बोलूं? ईशा, बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिसकी संगत डफोल संग होती है। व्हाट यू मीन? मैं डफोल संग हूं? यस। फिर ठीक है, अब करेंगे क्या? आज की मीटिंग तेरी लाइफ चेंजिंग मीटिंग होने वाली है। बहुत ही मुश्किल से मैंने 1 घंटा निकाला है तेरे लिए। सर बहुत बिजी रहते हैं। थैंक यू सो मच। अरे ये मेरा फर्ज था। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मस्त। बस यही चाहिए। सर आपकी ओपी भौतिकता से उठ के थोड़ा अश्लील असलियत पे ध्यान दीजिए, ज्ञान की बात करते हैं। जी सर। तो सर आपका नाम? लोडेंद्र। लोडेंद्र जी आप क्या करते हैं? यही कुछ छोटे मोटे धंधे। आपने पहली बार कब किया? याद नहीं आ रहा, मैं चोर नहीं था। मैं धंधे की बात कर रहा हूँ। खैर मुद्दे पे आते हैं। लोडेंद्र जी पैसा कहाँ से कमाया जाता है? हर जगह से कमा सकते हो, बस कमाने वाला होना चाहिए। पैसा कमाया जाता है दिमाग से। पैसा कमाना बहुत आसान है, यूं मानो चुटकी से कमाया जा सकता है। कैसे? ऐसे। आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे पास पैसा कमाने की बहुत अच्छी अच्छी तरकीब है। हमारी कंपनी आपके सपने पूरे करेगी। क्या नेटवर्क मार्केटिंग, बंदे जोड़ने वाली कंपनी? देखो बात सुनो, ऐसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, लेकिन ये कंपनी बस आई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। कब आई? 2 years ago। मतलब 2 साल पहले। आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, और इसमें कोई डफोड़ बनाने वाला काम भी नहीं करना है। सारा खेल दिमाग का, और इसमें आप मुझे माहिर लग रहे हो। थैंक यू सर। लोटेंद्र जी आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। वैसे आप महीने का कितना कमाते हो? यही 10-15 लाख। अच्छा 10-15 लाख। क्या? हाँ। कैसे, मतलब धंधे क्या है आपके? 3 गैरेज है, 2 शोरूम और 1 पेट्रोल पंप। किसी बंदे की जरूरत है? हाँ तो आगे बताइए। आगे बस जुड़ जाइए हमसे, बहुत शानदार कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो कैसे जुड़ूं? तो इसका ज्वाइनिंग अमाउंट भारी नहीं है, आप 3,000 से भी जुड़ सकते हैं, और प्रोडक्ट वही मिलेगा जो नॉर्मली घर में यूज होता है। ठीक है, तो मेरे लेट हो रहा है। सर प्लान तो सुनते जाओ। गुड नाइट। जा रहे, तेरी औकात ही नहीं है। क्या? जाइए सर, वेरी गुड नाइट, सो जाइए। चलो रेट की तैयारी करते हैं। पर उसका तो रिजल्ट आने वाला है। पर अपना कहाँ हो रहा है, अगले की तैयारी करते हैं। एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पर जीतने का चांस ही नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? मुझ मोहब्बत ठीक जाने में लग जाने। ताऊ जी, ताऊ जी प्रणाम। कैसे हैं आप? और घर में सब बढ़िया? ताई जी कैसी है? ताऊ जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अपनी बात गुटके से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ताऊ जी मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा, गूगल से पेस्ट किए। कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। इधर आ,
ताऊ जी एकदम सही किया, खाली छोड़ी पटाता है। सुन, एक शायरी हम भी सुनाते हैं। इरशाद इरशाद। खुदकुशी एक बहाना था। वाह। खुदकुशी एक बहाना था, जिंदगी को सबक सिखाना था। अरे वाह। वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी, मुझे हर हाल निभाना था। अरे ताऊ क्या बात है। ताऊ इश्क में हारे और जीते भी है। खैर मुद्दे पे आते हैं। ताऊ जी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए आपके पास आए हैं। क्या? ताऊ जी हमारा एक बिजनेस है, हम कृषि पर रिसर्च कर रहे हैं, उपज में बढ़ोतरी हो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है और इस फॉर्मूले को लेकर हम किसान हित में जा रहे हैं। वो गली ऑर्डर है, गेट बंद करके जाना, अगर आवारा पशु घुस गए ना तो मेरी सारी फसल खराब कर देंगे। ताऊ आप किसान नहीं हो क्या? नहीं मैं चाइना का मुख्यमंत्री हूँ। क्या मतलब? मैं किसान नहीं लग रहा। फिर आपकी फसल पे करते हैं दवाई का छिड़काव? शुरुआत अपने खेत से ही करते हैं? कुछ गड़बड़ हुआ तो? अरे ताऊ रुको मैं आपको डेमो देता हूँ। ताऊ इस सिरे को गौर से देख लो, कल सुबह इस सिरे को आकर वापस देखना, ये इससे दुगुना मोटा और तंदुरुस्त होगा। ताऊ हमने खून पसीना एक कर दिया इस फॉर्मूले को बनाने के लिए, कल सुबह हम पूरे खेत के लिए दवाई लेके आ रहे हैं, पूरे खेत में दवाई का छिड़काव करेंगे। तब तक आप इस सिरे पे ध्यान रखना और देखना कल तक ये दुगुना चमकेगा। फिर हम प्रोमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, डाउनलोड करो एंड गेट 50 रुपीज साइन अप बोनस।